ऐसी साइंस है रेयरिटी की साइंस है ये स्टेटमेंट किसने दिया है जे एम मार्शल रॉबिन्स जेके मेहता तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रॉबिन्स रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का लेखक कौन था फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत पूछी जाती है ये एग्जाम में हैं है तो तो इसका, right इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी एडम स्मिथ एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन जो कि बहुत ही फेमस बुक थी नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है यानी कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है रिकार्डो कॉटिल एडम स्मिथ या मार्शल तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर अगेन इसका राइट आंसर है सी जो कि है एडम स्मिथ एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है अर्थशास्त्र के सिद्धांत इकोनॉमिक्स सर्वे ऑफ वेलफेयर वेल्थ ऑफ नेशन या फिर इकोनॉमिक्टी फ्रेंड्स इस तरह से भी क्वेश्चन आता है तो हमने इसलिए इसको इंक्लूड किया है तो इसका राइट right आंसर है सी जो कि है वेल्थ ऑफ नेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक का नाम है जे आर हिक्स मार्शल एडम स्मिथ या कौटिल्य फ्रेंड्स राइट आंसर है डी कौटिल्य जो कि बहुत ही फेमस बुक है अर्थशास्त्र किसने लिखी थी वो थे कौटिल्य नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के उपभोग में एक इकाई की, होने, पल, होने, तो friends, तो एक की होने पर हमारी जो कुल में किसी भी हमारे इंक्रीजमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं कुल उपयोगिता सीमांत यानी मार्जिनल यूटिलिटी एवरेज यूटिलिटी या नन ऑफ फ्रेंड्स अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं किसी भी uh, you... कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं तो जब हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को यूज करते हैं एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करते हैं तो टोटल यूटिलिटी के बाद टोटल यूटिलिटी जो हमें मिलती है उसमें भी जब इन्हेंसमेंट होता है तो वो एनहेंसमेंट हमारा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य उपभोग में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता यानी क्या होगा सीमांत उपयोगिता में फर्क क्या पड़ेगा इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी अनचेंज होगी या फिर वो प्रारंभ में तो घटेगी लेकिन बाद में क्या होगा वो बढ़ती चली जाएगी तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर है बी जो कि है घटती है जब हम सामान्य उपयोग में कोई किसी भी चीज को वृद्धि करते हैं यानी कि कोई प्रोडक्ट है हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं एक यूनिट हमने कंज्यूम की हमें पूरी टोटल यूटिलिटी उसकी मिल गई सेकंड कंज्यूम की फिर भी हमें टोटल यूटिलिटी मिल गई लेकिन जैसे हमने थर्ड यूटिलिटी थर्ड यूनिट उसकी कंज्यूम करी तो हमारी जो उसकी यूटिलिटी थी वो हमें थोड़ी कम मिली क्योंकि अब क्या था हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो पीक पॉइंट पे पहुंच गया है और जब हमारा कंजम्पशन लेवल यानी जो हमारा सेटिस्फेक्शन है पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है उसके बाद अगर हम किसी एक्स्ट्रा यूनिट या फिर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो वहां पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज में चली जाती है तो इसका राइट right आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है जब यानी यहाँ पर लॉ दिया है हमारा डिमांड लॉ ऑफ डिमांड दिया है इसमें बता रहे हैं ये कि, कि किसी वस्तु की मांग यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर परिवर्तन होता है तो वो कब होगा उपभोक्ता किया है परिवर्तित होगी तब या वस्तु की की मांग की लोच अधिक होगी, कीमत परिवर्तित होगी या फिर जनसंख्या परिवर्तित होगी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी कीमत परिवर्तित होगी फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में ये बताया गया है कि कभी भी अगर किसी भी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी जो डिमांड है उसमें भी चेंजेस आएंगे अगर किसी प्रोडक्ट में आ,

अगर उसकी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो वहां पर आपकी वो डिमांड किस तरह हो कन, की होगी आप देखिए फ्रेंड्स नेसेसरी आइटम जैसे कि फूड है ठीक है फूड में भी आप लग्जरी फूड ना लेके एक नॉर्मल जो फूड होता है जो कि हर नॉर्मल पर्सन लेता है उसे आप उस फूड के लिए सोचे अगर वो फूड इंक्रीज हो रहा है फिर भी आप अपने पेट भरने के लिए अपनी लाइफ को स्मूथली रनिंग करने के लिए उतना फूड लोगे जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है लेकिन अगर वो कम हो जाता है उसका प्राइस तब भी आप उतने लोगे ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सेस में कंज्यूम करने लग जाओगे या फिर नेसेसरी आइटम जैसे कि मेडिसिन भी हम यहाँ ले सकते हैं मेडिसिन है अगर अगर मेडिसिन के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो हमारी नेसेसरी की जो मेडिसिन होती हैं अगर उनके प्राइस इंक्रीज होंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मेडिसिन लें क्योंकि मेडिसिन ना लेने से क्या होगा हमें और भी ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी हम बीमार भी, भी पड़ सकते हैं लेकिन अगर वही मेडिसिन की प्राइस अगर डिक्रीज होते हैं फिर भी हम क्या करेंगे उस मेडिसिन को लेंगे उतनी ही लेंगे जितनी हमें जरूरत है ऐसा नहीं है कि अगर मेडिसिन के प्राइस डिक्रीज हो गए तो फिर मेडिसिन हम ज्यादा क्वांटिटी में लेने लग जाएं ऐसा कुछ भी नहीं है तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जहां पर हमारे प्राइस का कोई फैक्ट नहीं पड़ता हमारी डिमांड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहती है

प्रोडक्शन के सभी एरिया पे अप्लाई होता है क्योंकि फ्रेंड्स डिप्लीशन हर जगह आता है हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं वहां आएगा किसी बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं वहां भी डिप्लीशन होगा उसकी वैल्यू में कमी आएगी तो फ्रेंड्स ये हर जगह होता है रिपेयरिंग हर किसी में जरूरत होती है हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन करने की तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और वे अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय you